फिर मट्टी का मकान बनाते थे, मट्टी से हम पैदा हुए, मट्टी में मरने हैं, मट्टी में उपजाव होते हैं, मट्टी का खाना और हमारा पूरा शरीर को वो देते हैं, ऊर्जा देते हैं। बोलो नंदा मैया की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। नंदा देवी देवरा यात्रा पहुंच चुकी है द्रोणागिरी से गरपड़ गांव, और यकीन मानिए लाता से जब डोली चली तो अभी तक का सबसे भव्य जो स्वागत हुआ वो हुआ गरपड़ गांव में। दो दो मालाएं उन्होंने पहनाई हैं, और ये माला है भोजपत्र की। तो ये भोजपत्र से ये माला तैयार की गई है, और जितने भी नंदा भक्त आए थे उन सभी को ये माला पहनाई गई। गरपड़ एक छोटा गाँव है, पहले ये द्रोणागिरी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये कागा और गरपड़ ग्राम सभा मिलकर एक नई ग्राम सभा बनाई गई। इस पूरे ग्राम सभा को एक्सप्लोर करेंगे, क्या मान्यताएं यहाँ की और क्या दंत कथाएं हैं वो आपको अगली सुबह पूरा विस्तार से बताएंगे। हम गरपड़ का बहुत अच्छा स्वागत रहा है, बहुत अच्छा उत्साहवर्धन। जैसे कि मैं और मेरे भाई भतीजा चाचा जी हम मां नंदा की विदाई के द्रोणागिरी से यहाँ पे आए हुए हैं, जो मतलब मायके के बाद जो छोड़ने जाते हैं हम लोग मायके से हैं। पहले हम कल कागा गए थे बुलाने के लिए, और आज हम गरपड़ में माता जी को छोड़ने आ रखे हैं। और बहुत अच्छी व्यवस्था है ग्राम सभा से, और हम सभी लाता भगवती माँ की ओर से, द्रोणागिरी ग्राम सभा की ओर से सभी गरपड़ निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नहीं, हमको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, हम तो दिवाली मना रहे हैं। 12 साल बाद हो रही है ये, 12 साल बाद नंदा देवी हमारे गांव में आई, हम तो दिवाली का जैसा उत्सव मना रहे, इतनी खुशी हो रही है हमको। तैयारियां पूरी कर ली है आपने? हाँ, पूरी तैयारी। कितने परिवार हैं गांव में? हमारे परिवार में वैसे तो 10-11 परिवार यहाँ है, पर जो बाहर है वो भी 15 हो रखे कुल। हाँ, कुल सब आ रखे, आजकल सब आ रखे। अरे सामने कर भाई, सामने कर, सामने कर। मोन तो एक्चुअली क्या है, एक मजाक है, उसे किसी रिश्ते जीजा भाभी या साला साली उसके हिसाब से एक मोन तो जिस प्रकार से हम हमारे ऊपर आटा फेंके, मोर का एक डॉल है वो चीज, मां नंदा की कृपा से जो भी नृत्य होता है ये हर गांव में होगा, ये हर गांव में होगा जहाँ पे हमारे मजाक जो पात्र बनता है इसमें स्पेशली उसी उसको वो रहता है कि मेरे गांव में इतने मजा के आए जाएंगे। कान तहा लगा या खुट बाहर लगा डॉक्टर नहीं कोई या
प्रिय प्रिय पढ़ने वाले आपको जान से प्यारे अच्छा चोर आप प्रिय प्रिय चोर आप मेरे को बहुत प्यारे हैं, मोर बहुत न्यारे हैं। मोर ने मुझे सताया, चोर ने उतना मुझे खिलाया। जितने मोर ने मुझे खिलाया, चोर ने उसे ज्यादा खिलाया। मैं मोर के साथ क्यों रहूं, चोर मेरे अच्छा भैया। अंग्रेजी पढ़े थे ना? गरपक गांव की सुबह काफ़ी सुहानी थी, मौसम बिल्कुल साफ़ है, जैसे द्रोणागिरी में साफ मिला था लगभग वैसे ही यहां पर भी है। समुद्र तल से गरपक गांव की जो ऊंचाई है वो लगभग 3200 मीटर है, यानी द्रोणागिरी से लगभग 400 मीटर नीचे है ये गांव। यहां से द्रोणागिरी का पुराना पैदल मार्ग भी है। जो लोग अभी रूरल टेल्स की नीति वैली सीरीज़ देख रहे हैं उनको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हम किस वैली में सफ़र कर रहे हैं। तो हम उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो नीति वैली है, जब आप जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो आप नीचे उतरते हैं और फिर अलकनंदा नदी के किनारे किनारे पहुँचते हैं बद्रीनाथ और माणा। माणा से आगे एक दर्रा है जो तिब्बत की तरफ निकलता है। दूसरी वैली जोशीमठ से सीधे ऊपर की तरफ निकलना है, धौलीगंगा नदी को धौलीगंगा नदी के किनारे किनारे होते हुए और जो उसके प्रमुख गांव हैं जैसे बड़ा गांव है, लाता है, रैणी है, उसके अलावा फिर आपका मलारी है, गमसाली है, नीति है। तो ये नीति वैली जो है ये भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जोशीमठ से नीति गांव की दूरी लगभग करीब 87 किलोमीटर है और यहाँ से तीन दर्रे निकलते हैं, एक तो नीति पास है, दूसरा बड़ा होती है और तीसरा रिमखिम है। तो ये तीन जो इलाके हैं यहाँ से तिब्बत की तरफ जाया जा सकता है। और पुराने समय में जब भारत चीन युद्ध नहीं हुआ था तो उससे पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट में नीति की तरफ से भी व्यापार होता था, माणा की तरफ से भी व्यापार होता था। तो ये दो दर्रे थे जहाँ से भारत और तिब्बत का व्यापार होता था। आप एक बार और समझ गए होंगे कि हम जोशीमठ से नीति वैली में हैं जो सीधे धौलीगंगा नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रही है। पहले ये गांव गिरती रहता था और साइड में वहाँ नागवंशों का अपना नागवंशों के लोग रहते थे और बहुत सारे नाग रहते थे। किसी कारणवश वहाँ इस प्रकार की गतिविधि हुई कि देवी देवता या गांव वाले वहाँ रहने से परेशान हो गए। उसके बाद गांव वाले निकले और गांव वाले सबसे पहले सामने पहाड़ के नीचे वहाँ रहे। किन्हीं कारण से वो ऊपर से ग्लेशियर आने से वो दब गया, फिर गांव वाले यहाँ बसे और कुछ लोग यहाँ से जो बचे हुए लोग थे कुछ तो वहाँ दब गए, कुछ लोग एक आध परिवार रहे। उसके बाद जो लोग यहाँ से भागे वो पिथौरागढ़ की ओर चल दिए। वो पिथौरागढ़ बाद वो गर्भिंगी लोग हैं, वो गर्भिंगी नाम लिखते हैं, गर्भक के नाम से गर्भिंगी लिखते हैं। और नाग जब वहाँ देखा नाग ने कि मेरे यहाँ कोई नहीं है, कि मेरे जो रिश्ता नातेदार हैं वो नहीं है, कि नाग भी पीछे पीछे चल दिया। मलारी के ऊपरी ऊपर रास्ते से आया, सामने कुंटी भंडार है और कुंटी भंडार होते हुए ऊपर ये डिंगर कहते हैं हम, जहाँ पर एक रात्रि नाग रहा वहाँ पर बहुत गहरा जगह बना रखा है। उसके बाद जब दूसरे दिन रात खुला तो सामने हमारा एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, तो उसने देखा वहाँ से कि मैं यही उस पत्थर में रहूँगा। पत्थर में आया, पत्थर में रहा, शायद में एक रात वहाँ भी रहा जैसे लोग कहते हैं। और भूमियाल हमारे इस जमीन के सर्वेश्वर देव हैं, क्षेत्रपाल हैं। तो भूमियाल का जो भंडार है सामने आप देख रहे हो पर्वत में, और दो मंजिला गुफा है, वहाँ हमारे भूमियाल का भंडार था।
ना यहाँ पर बैठा था, उसने सुबह अचानक उसकी नज़र वहाँ लगी, तो उसने कहा यार मेरे रहने के लिए जगह वहीं है, मैं अपने यहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मैंने पहुँचना था, जिन लोगों के साथ मैंने रहना था वहाँ पहुँच गया, लेकिन मेरे रहने के लिए उचित स्थान वहाँ है। नाग चल दिया, देवी देवताओं की सतयुग की बात है, देवी देवताओं की जो भी माया रही होगी, नाग जब सुबह सुबह प्रातःकाल गुफा की ओर चढ़ रहा था, प्रवेश कर रहा था, अचानक यहाँ की महिला, पानी बहुत दूर होता था, यहाँ की महिला पानी लेने गंगा की ओर जाते थे, नदी की ओर, जैसे उस महिला ने देखा कि सामने कुंती, सामने जो हमारा भंडार है हमारा भूम्याल का, वहाँ चोर घुस गया। उसने केवल पुकार की कि हे भूम्याल देवता, तेरे यहाँ चोर घुस रहा और तुम सोए हुए हैं, प्रातःकाल तुम्हारे यहाँ चोर घुस रहा है और तुम सोए हैं। भूम्याल देवता के कानों में जब ये बातें आई, उसने कुछ नहीं देखा, नहीं कहते नहीं हम जैसे गढ़वाले आओ नहीं देखा, ताओ नहीं देखा, अपने चाण वाणों को तुरंत आदेश दिया और जाओ उसके चार टुकड़े करके लाओ या उसकी गर्दन काट के फेंक दो जो मेरे भंडार में चोरी करने जा रहा। तो चाण वाण चले गए, स्थिति ऐसी हुई। जब बाद में जब पूरी स्थिति भूम्याल देवता को पता चला कि ये तो मेरा भांजा है और भांजा के साथ अन्याय हो गया, उसकी मैंने गर्दन को काट दिया है, ये बहुत अन्याय होगा, तो इसने भूम्याल देवता ने कहा कि सबसे पहले मुझे सूचना किसने दी, ये बिना सोचे समझे सूचना किसने दी। तो पता चला कि कोई महिला पानी लेने जा रहा है, उस महिला ने ये सूचना भूम्याल देवता तक पहुँचाई। तब से भूम्याल देवता ने महिलाओं को कोई ज़्यादा परेशान नहीं किया, कुछ नहीं, उसने एक ही श्राप दिया कि अगर आप इस गांव में प्रसव होंगे, कोई नवजात शिशु का जन्म होगा, आप मेरे से 2 किलोमीटर दूर हैं। खेती बाड़ी तो बहुत है पर आजकल थोड़ा पलायन हो गए, नीचे चले गए तो इसलिए बंजर पड़ गया। तो और हमारे लोग तो हो गए वो 20-25-30 साल, किसी को 40 साल हो गए वो नीचे रहते। हाँ आ गए हमारे यहाँ फापड़ होते और गेहूँ भी होते थे पहला, थोड़ा मट्टी मीठा है हमारे यहाँ तो रोटी मीठे होते और फापड़ होते बहुत अच्छे होते, शुगर बीमारी भी हटती उससे ऐसी, तो फापड़ प्योर है हमारे यहाँ खाना वही था। सातवा होते उवा बोते, उवा एक जाति गेहूँ के जैसे है, उसके भूज के और जंदरा होता था उसके पीस के वो खाते थे, पहले का परंपरा और पक्का मजबूत होते थे लोग, हड्डी गड्डी मजबूत। फिर मट्टी का मकान बनाते थे, मट्टी से हम पैदा हुए, मट्टी में मरने हैं, मट्टी में उपजाव होते, मट्टी का खाना और हमारा पूरा शरीर को वो देते ऊर्जा देते हैं। तो मट्टी का खाना अच्छा है और हमारा उम्र भी बढ़ता है उसमें, और आज का सोसाइटी खा रहे तो सोसाइटी में उम्र हमारा घटते जा रहे। हमको अपने मट्टी बचाना है और हर चीज़ हमारे मट्टी में होते हैं। यहाँ वही तो है, हमारे यहाँ खाद नहीं डालते ना, गोबर है हमारे यहाँ। अब कृषि वाले बोलते गोबर के, हमारे गोबर दवाई है ना, कीड़ी लगते उसमें, सब्जी भी अच्छी होती, शरीर के भी अच्छा होते वो ये। फिर मकान है, हमें मट्टी का मकान है, छोटे छोटे दरवाजे हैं जो, तो हमारे यहाँ जो है कि बर्फ़ पड़ता है। दरवाजे क्यों छोटे रखते हैं? बर्फ़ पड़ते हैं तो ठंडा लगता है, बच्चे ठंड से किड़किड़ होते हैं, इसलिए छोटे छोटे दरवाजे, हवा ना आए तो इसलिए छोटे छोटे दरवाजे रहते हैं, तब बनाते छोटे दरवाजे। Thank you.
गरपक गांव ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है और जिस समय भी गांव बसा होगा या जिस व्यक्ति ने भी ये गांव बसाया होगा बहुत सोच समझकर बसाया है। पानी की यहां पर दिक्कत नहीं है। खेती बाड़ी के लिए तो ये मिट्टी जो है वो वरदान है। इस मिट्टी में अनाज बहुत होता था। अब तो खैर 10-12 परिवार में से केवल 4-5 परिवार ही 6 महीने के लिए जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तब यहाँ पर आते हैं, लेकिन फापर कौणी उसके अलावा गेहूँ भी यहाँ पर बोए जाते थे। आजकल सब्जियों का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। मिट्टी में अलग ही गुण है यहाँ के और सब्जियाँ अगर कोई भी यहाँ पर लगा रहा है तो जैसे पत्ता गोभी है या मटर है या फिर आलू है या और सब्जियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी यहाँ पर होती हैं। इस गांव को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ सेफ्टी के लिए शायद इस गांव को बनाया गया होगा कि कहीं से भी अगर कोई भी बाहर से आदमी आए तो पता लग जाए, कहीं से भी अगर आता है तो गांव वालों को इसका पता लग जाएगा। इस सामने वही चोटी है जो जिसकी कहानी आपने पूरी सुनी नाग देवता की। गरपक गांव से अब हम झेलम की तरफ बढ़ रहे हैं और जो पूरा ट्रैक था रात को हम दिखा नहीं पाए तो अब वो पूरे ट्रैक की जो खूबसूरती है वो आपको दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। गरपक गांव में नाग देवता की पूरी कहानी आपने सुनी। दरअसल इस नाग देवता को मृत नाग देवता भी कहा जाता है और उसी रूप में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। जिस महिला ने ये कहा था भूमियाल देवता से कि आपके जो भंडार है उसमें कोई जा रहा है, चोर आ रहा है, उसकी वजह से इस गांव में इस मंदिर प्रांगण में महिलाओं का आना वर्जित है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि कोई भी गर्भवती महिला है वो इस गाँव की परिधि में जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, नीचे बहुत नीचे करीब 2 किलोमीटर नीचे या फिर उससे भी नीचे जैसे जोशीमठ देहरादून कोपेश्वर जाना होता है। पहले जब हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी तो गांव से 2 किलोमीटर नीचे एक उड्यार है, वहां पर ही सभी बच्चों का जन्म हुआ करता था। वैसे तो पूरे उत्तराखंड में नागों की असंख्य कहानियां हैं और ये दंत कथाएं चलती रहती हैं, लेकिन जब आप गरपक गांव आते हैं और सामने की चट्टान पर जो गांव वाले कहानी बता रहे हैं हूबहू वैसी ही आकृति, वैसे ही नाग का जो सर है वो कटा हुआ है और उसका जो कटा हुआ सर है चट्टान पर दिखता है, तो फिर इन दंत कथाओं पर एकाएक विश्वास भी होना शुरू हो जाता है। ट्रैक है ये याद दिलाता है हमें
जो कैलाश मानसरोवर का है, काली नदी के किनारे किनारे ठीक जो रास्ता था आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर और जो ओम पर्वत, तो कुछ ऐसा ही है। और ये लकड़ी का पुल है, हालांकि जो इस तरफ का रास्ता है वो अब इस नदी जो कुंती नदी है, कुंती गाड़ है, उसकी तेज बहाव में बह गया, तो अब दूसरी जगह पुल बनाया गया है और वहाँ से वो रास्ता भी बनाया गया है। लेकिन यकीन मानिए, इस तरह इन नदियों के किनारे, इन ठंडी हवाओं के बीच, इन पेड़ पंछियों के बीच चलना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। हिमालय की कंदराओं में बसा गरपक एक ऐसा गांव है जो कई समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसी जगह गांव बसाना भी अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन अगर सड़क के साथ साथ संचार की व्यवस्था हो जाए तो हो सकता है कि पलायन की जो रफ्तार बहुत तेज़ी से निचले इलाकों की तरफ आई उसमें थोड़ी सी कमी आए। नंदा देवी देवरा यात्रा की ये जो सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि हमारा हौसला बढ़े और भविष्य में भी हम इसी तरीके से जो घाटियों की यात्राएं हैं वो करें। फिलहाल हम झेलम की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे की कहानियां रूरल टेल्स में जारी रहेंगी। ये चला गया द्रोणागिरी का और ये नीचे गरपक। गरपक गांव बताता है कि हिमालय की कंदराओं में इन बीहड़ घाटियों में आज भी गांव बसे हैं और
इन गांव को बसाने में पूर्वजों ने कितनी मेहनत की होगी। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, फिर भी गरपक जैसे बहुत सारे गांव हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाएं उनका इंतजार कर रही हैं। एक मृत नागदेवता के गांव की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। रूरल टेल्स पर नंदा देवी देवरा यात्रा की जो सीरीज है आगे भी जारी रहेगी। अगला पड़ाव है झेलम। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमालय।